बड़ी कार्यवाही, एक टाटा सफारी मोटरसाइकिल सहित 14 नग सागौन के जब्त किए। लाड़कुई वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सनकोटा के जंगल से माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से सागौन के लट्ठे को टाटा सफारी MP04CD4688 ले जाते हुए मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया। माफियाओं के द्वारा सागौन के पेड़ों की बेरहमी से कटाई कर रात्रि के अंधेरे में माफियाओं द्वारा अवैध रूप से बेचा जा रहा है। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि लगातार सागौन की लकड़ी का अवैध रूप से परिवहन कर रहे। वहीं मुखबिर की सूचना पर वन विभाग सामान्य के द्वारा टाटा सफारी में रखे 12 नग सागौन के लट्ठे, जिसकी कीमत 50,000 रुपए व वाहन की कीमत 2 लाख, वहीं एक मोटरसाइकिल पर 2 नग सागौन की सिल्ली के ले जाए जा रहे थे, उन्हें जब्त कर राजसात कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। नसरुल्लागंज से नितिन मालपानी की रिपोर्ट। सर, जिस तरह से कल एक बाइक और एक टाटा सफारी जब्त की गई है, कुछ उसमें लट्ठे वगैरह रखे थे, क्या कहेंगे? कल हमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि नादान और सनकोटा के जंगलों में एक गाड़ी के द्वारा सागौन के अवैध परिवहन में किया जाएगा। प्राप्त सूचना के आधार पर हमारा गश्ती दल वहाँ पहुँचा और हमें सनकोटा के पास नदी के पास एक टाटा सफारी सागौन के गुल्लों से भरी हुई दिखाई दी। हमारे गश्ती दल द्वारा पहुँच करके उस सफारी को जब्त किया गया और वहाँ पर जो भी अपराधी थे वो अंधेरे का मौके का फायदा उठाकर अंधेरे में भाग गए। सर, कितने लट्ठे उसमें बरामद किया गया जब्ती में? जो टाटा सफारी थी उसके अंदर 12 सागौन के गुल्ले भरे हुए थे, जिनकी अनुमानित जो मूल है वो 50,000 से अधिक का है। टाटा सफारी की जो कीमत है वो लगभग 2 लाख रुपए है और साथ में ही एक मोटरसाइकिल को भी हमारे द्वारा जब्त किया गया। इस तरह 3 लाख से अधिक के मूल्य के वाहन और लकड़ी को कल हमारे द्वारा जब्त किया गया। ठीक सर।